विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नेताजी खेल स्टेडियम एवं मनोहर पार्क में आज कई जगह पौधे लगाए गए। पौधों को रोपे जाने पर उनका पालन पोषण ढंग से करने का संकल्प भी लिया गया। सामाजिक संस्था सतत विकास एवं विचार विमर्श सेवा ट्रस्ट के प्रधान पप्पू ठाकुर और मंडनाका के युवा किसान नेता करतार सिंह ने कहा, आज के बढ़ते तापमान पर अंकुश पाने के लिए पौधे ही एकमात्र विकल्प हैं। जितने अधिक पौधे लगाए जाएंगे वो पेड़ बनकर उतनी ही गति से बढ़ते तापमान को कम करने में सहायक होंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित करें। आज जहां देखो वहां एयर कंडीशन नजर आ रहे हैं, ये भी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। लोग अपने घरों में भी गमलों में पौधे लगाकर कई डिग्री तापमान नीचे ला सकते हैं। पौधे लगाए गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आजकल जितनी एक तो गर्मी बहुत बढ़ रही है और जितने हम काटते हैं और एक पौधे को होने में कम से कम 5 से 7 वर्ष लग जाते हैं, तो कम से कम हमारा अब के आने वाले टाइम में, मेरा एक एनजीओ खोला है मैंने और उसका यही रहेगा हमारा सबका कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और एक मैं नूर रोड पर मेरा विराट धर्म कांटा, वहाँ हमारा विचार वृद्धाश्रम का है, एक छोटी सी गौशाला का है। फिलहाल हमारा इतना ही टारगेट रहेगा और जैसे जैसे आप सब लोगों का सहयोग रहेगा हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। पेड़ पौधे कितना जरूरी है आज के समय में? पेड़ पौधे तो हमारे एक जीवन का अभिन्न अंग है। ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे, जितना पेड़ पौधा होगा बारिश के लिए, जो आज ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, इनकी वजह से ये हो रहा है, तो एक हमारे बहुत अभिन्न अंग है। और हम ये चाहते हैं कि अब बारिश के टाइम में अधिक से अधिक हमारा सहयोग करें, हम पेड़ 5000 पेड़ का आपके हमारा टारगेट रहेगा। और हमारे लिए वृक्ष तो एक अभिन्न अंग है, जितने कट रहे हैं उससे ज़्यादा लगने चाहिए, इससे बारिश पे बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, अच्छी बात है। और जहाँ जहाँ हमने अपने भाई के देख रेख में, पप्पू भैया के देख में ये पौधारोपण किया था, और हमारा टारगेट है कि 5000 वृक्ष अब की वर्ष लगाएं और अपने जीवन को आगे के लिए उज्जवल बनाएं। ये हमारा एनजीओ का हमारा नाम रजिस्टर्ड हो गया है, हमारा एनजीओ का नंबर 12182 मिला है हमको। हमारा काम समाज की सेवा करना होता है और हम आगे भी समाज की सेवा करते रहेंगे। क्या नाम रखा संस्था का? हमारी संस्था का है सतत विकास एवं विचार विमर्श सेवा ट्रस्ट। क्या लगता है कि आम लोगों का सहयोग मिलेगा आपको? हमको बहुत सहयोग मिल रहा है, हमसे हर लोग जुड़ रहा है, जिसकी भावना है सेवा, जो सेवा दे सकता है वो हमसे लोग जुड़ रहे हैं और फिर हम भी लोगों को जोड़ रहे हैं। और चाहे तो जो भी जुड़ना चाहे, तो हमारे यहाँ योगा क्लास लगती है 2 घंटे सुबह और शाम को, वो भी हमारा फ्री है। क्या कहेंगे उनके लिए जो मकान बनाते हैं या कोठियां बनाते हैं, पेड़ काट देते हैं रास्ते में जो आते हैं? आज के टाइम में लोगों को पेड़ों की अहमियत ना हो कि पैसे पे ज्यादा जा रहा है, और लोगों जीवन में जब हम पे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा तो हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भाई हम कम से स्वस्थ रहें, जाना तो सभी को, तो पेड़ एक पेड़ की जगह अगर कटता है तो 10 पेड़ लगाए, 10 में से 5 ही हो पाते हैं, ये होना चाहिए। तो हम इसको आगे लेके चलेंगे और हम आप सब लोगों का हमें सहयोग की और भी जरूरत है, अभी हमारा स्टार्ट का काम है। अंग्रेजों के शासन काल में पेड़ पौधे बहुत लगाते थे अंग्रेज, उनको पेड़ों से बहुत लगाव था, अंग्रेजों को क्या कहेंगे? अंग्रेजों को पेड़ों से लगाव था, अंग्रेजों का रहने का तरीका अलग था। देखिए उधर जाके आप मिशन की जो कोठियां हैं, 2 एकड़ में 1 कोठी होती थी, खुला होता था, लेकिन उनका उन पर पैसा अधिक था, मानते हैं, लेकिन लोग अभी हिंदुस्तान में जिन पर पैसा है वो पेड़ लगाए। और मैं तो ये कहता हूँ आने वाले टाइम में सरकार को ऐसा नियम लाए, एनओसी उसी को दे जो 4-5 पेड़ लगाए, ऐसा कोई वो बने अपने घर में। मेरा नाम करतार है। करतार जी, पौधे लगाए गए, कौन सा पौधा लगाया गया आज? आज जो हमने लगाया है जामुन का पेड़ का पौधा लगाया है, और यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में बहुत अनेकों पौधे लगाए गए हैं आज वृक्ष दिवस के उपलक्ष्य में। क्या कहेंगे, पौधे लगातार कम हो रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, ऐसा है पौधे लगाने हमारे एक मतलब कि स्वास्थ्य के लिए, और जो तापमान जो डिग्री आज 48 सेल्सियस चढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, और यहाँ पे जो पौधे लगाए गए हैं पूरे सीनियर सेकेंडरी में या पलवल जिले में, जितने भी जिस भी साथी ने लगाए हैं वे उस पौधों की रक्षा करें और उनको पानी देते रहें और उनकी देखभाल करते रहें। घरों में जैसे गमलों में पौधे लगाते हैं उसका भी कोई फायदा मिलता है?
उनका भी बहुत फायदा होता है जो घरों में गमले लगाते हैं, क्योंकि उनमें से जो निकल के खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और हमारे जो तापमान में जो बढ़ावा नहीं देती है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।